नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्लेन्स में जो बिजनेस क्लास इंट्रोड्यूस हुआ था वो क्यों हुआ था और कब हुआ था? तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। पहले क्या होता था, बिजनेस क्लास आने से पहले क्या होता था कि प्लेन्स में सिर्फ दो तरह के लोग ही ट्रैवल किया करते थे। पहला, जिनको बिजनेस के पर्पज के साथ ट्रैवल करना था, यानी कि डेली का अप डाउन लगा लीजिए, या सिर्फ बिजनेस के लिए गए और आ गए, या फिर जो दूसरे होते थे वो होते थे टूरिस्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या था, दोनों का पता कैसे चलता था कि ये बिजनेसमैन है या टूरिस्ट है? टूरिस्ट जो होते थे वो प्लेन्स की टिकट्स को एडवांस में बुक कराते थे 10-15 दिन, 20 दिन, एक महीना पहले, ताकि उनको थोड़ा सा डिस्काउंट भी मिल जाए प्राइजेस में, और उनको सीट भी अवेलेबिलिटी मिल जाए इस टाइम पे, जिस टाइम उनको, जिस दिन उनको ट्रैवल करना है। लेकिन बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं था। जो बिजनेस करने वाले बंदे थे वो डायरेक्ट उसी दिन सेम टाइम पे टिकट खरीद के ट्रैवल करते थे। होता ये था कि वो जैसे ही काउंटर पे जाते थे, मतलब अब डायरेक्ट अगर काउंटर पे गए और फ्लाइट है तो उस फ्लाइट की डायरेक्ट टिकट खरीदी और वो चले गए। अब एयरलाइंस को क्या था भाई, उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना था। उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई बिजनेस क्लास को लेके। उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना ऐसा हो कि भाई मतलब हमारी जो टिकट्स हैं वो लोग पहले ही एडवांस में बुक करा लें, क्योंकि उनको भी एक डर रहता था कि यार मतलब बिल्कुल एट लास्ट मोमेंट पे कितने कस्टमर्स आ जाएं, कुछ भरोसा नहीं होता था। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर ऐसा होता कि यार जैसे मान लो मेरे को बिजनेस पर्पज के लिए जाना है या चार बंदों को और बिजनेस पर्पज के लिए जाना है, वो डायरेक्ट गए टिकट खरीदी और चले गए, लेकिन इसमें सर्टेनिटी नहीं थी ना। उनको कैसे पता चलेगा, एयरलाइंस वालों को कैसे पता चलेगा कितने बंदे आएंगे? हो सकता है एक आए, हो सकता है 100 आ जाए एक ही दिन के अंदर। तो उनको ये करना क्या था कि भाई अपने प्लेन्स को मैनेज करने के लिए, सीटिंग को मैनेज करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक अपनाई कि यार मतलब जो हमारे टिकट्स हैं वो लोग पहले ही बुक करें, जिससे हमें पता चलता रहे कि हमारे पास कितने कस्टमर्स जो हैं ट्रैवल करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बिजनेस क्लास की टिकट्स को महंगा कर दिया, ठीक है, और जो नॉर्मल जो टूरिस्ट के लिए था वो उनको थोड़ा सस्ता कर दिया। लेकिन उनको फर्क देखने को कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने नोटिस किया कि यार जो बिजनेस करने वाला बंदा है उसके लिए पैसों की नहीं, उसको कीमत की, टाइम की कीमत है, ठीक है। उनको सेम वही इशू फेस करना पड़ रहा था एयरलाइंस वालों को, क्योंकि जो बिजनेस वाले बंदे हैं वो एडवांस में टिकट बुक करा ही नहीं रहे थे, उनको जिस दिन जाना है वो डायरेक्ट ही टिकट परचेज कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ धीरे धीरे हुआ क्या, यार एयरलाइंस को समझ में आ गया कि बिजनेस मैन को पैसों का कोई लालच नहीं होता, उसको अपनी टाइम की कीमत है, उसको अपने पर्पज के लिए जाना है तो जाना है। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसा डिजाइन बनाया, ऐसा सोचा कि यार क्यों ना प्लेन्स को बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए, प्लेन्स को सेक्शंस में डिवाइड कर दिया जाए, एक बिजनेस क्लास और एक इकोनॉमी क्लास। बिजनेस क्लास में इन्होंने चेंजेस क्या किए, सीट्स को थोड़ा सा कंफर्ट कर दिया, ठीक है, सोफा सीट्स लगा दी गई, अलग से कैबिन बना दिए गए, साइलेंट कैबिन बना दिए गए, ज्यादा रश वाली जगह नहीं हुई, सीटिंग उसके अंदर कम होती है, इकोनॉमिक में ज्यादा होती है, मतलब इस तरह के छोटे छोटे जो है उसमें फीचर्स को ऐड किया, ट्रीटमेंट्स को ऐड किया और जो है लॉन्च कर दिया बिजनेस क्लास। अब भाई होता क्या था, अब कंफर्ट के मामले में जैसे बिजनेस वाला जो बंदा होता है, लग्जरी वाला जो बंदा होता है, वो भी मतलब ये एक्सेप्ट करता है या सोचता है कि यार कि मैं अगर एक प्लेन में जाऊं तो मेरे को स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। अब ऐसा ही होने लगा और कुछ टाइम मतलब धीरे धीरे जो है बिजनेस क्लास में और जो है एडवांस फीचर्स आने लगे, सर्विसेज को ज्यादा प्रोवाइड कराया जाने लगा, जैसा कि आज हम फील करते हैं बिजनेस क्लास के अंदर। तो इस तरह से बिजनेस क्लास की शुरुआत हुई थी स्पेशल ट्रीटमेंट्स देके। पैसे से शुरुआत तो काफी तरीके से की गई थी, लेकिन जो कंक्लूजन निकल के आया वो स्पेशल फीचर्स के साथ ही निकल के आया। स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए था बिजनेसमैन लोगों को, जिससे कि वो एडवांस में बुकिंग कराएं। लेकिन आज भी अगर मैं बात करूं तो आज भी भाई मैंने काफी बार देखा है कि जो बिजनेस क्लास वाला बंदा होता है, जिसको बिजनेस के लिए ट्रैवल करना है, वो हमेशा काउंटर से ही टिकट परचेज कर रहा है आज भी। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं, लेकिन कुछ मात्रा में जरूर, क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है। उनको पता ही नहीं है कि उनको किस टाइम निकलना पड़े। अभी अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी बिजनेसमैन को, यहाँ दिल्ली में रह रहा है, उसको बेंगलुरु में काम आ गया, तो वो अर्जेंट में जाना है, तो वो टिकट कैसे बुक कराएगा? या तो महंगी बुक कराएगा, ठीक है, या फिर डायरेक्ट जाके काउंटर से बुक कराएगा। तो अनसर्टेनिटी आज भी है, आज भी एयरलाइंस को इसका सामना करना पड़ रहा है, लेकिन काफी कम स्केल पे।
तो इस तरह से भाई जो है बिजनेस क्लास का इजाद हुआ था प्लेन्स के अंदर। आपको ये जानकारी कैसी लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।